आज की ड्रग नेप्रोक्सेन है। नेप्रोक्सेन जो होती है वो नेप्रोहिल, मोविबान, एट्राजिन, नेप्रोसिन, जेनोबिड इत्यादि नामों से आती है। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ये NSAID नॉन स्टीरोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, साथ ही एंटीपायरेटिक ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें ये काम कैसे करती है, तो नेप्रोक्सेन जो होती है वो मेनली दो एंजाइम COX-1 और COX-2 होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 एंजाइम है, उन पर एक्ट करती है। ये दोनों एंजाइम जो होते हैं उसको इनहिबिट करती है और उसको इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसको बनने नहीं देती। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो मेनली इन्फ्लामेटरी केमिकल होता है और उसके कारण से ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा नेप्रोक्सेन जो होती है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट इकट्ठी होती है, उसको भी इनहिबिट करती है। उसको इनहिबिट करने के साथ ही ये ब्लीडिंग टाइम जो होता है उसको भी बढ़ाने का काम करती है, लेकिन यह ब्लड क्लॉटिंग या प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्लेटलेट काउंट जो होता है उसको प्रभावित नहीं करती है। फार्माकोकाइनेटिक अगर देखें ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है, तो ड्रग जो होती है वो GIT के द्वारा पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका जो पिक टाइम होता है या इफेक्ट जो होता है इसका, वो 2 घंटे में इसका पिक टाइम होता है। इसका इफेक्ट जो होता है वो 7 घंटे तक रहता है। ड्रग जो होते हैं वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होती है और एलिमिनेशन जो होता है 99% ड्रग जो होते हैं वो यूरिन के द्वारा एलिमिनेट होती है, बॉडी से बाहर निकलती है। इसका हाफ टाइम जो होता है वो 12 से 15 घंटे होता है। यूज़ अगर देखें कि ड्रग जो है वो क्या काम आती है, नेप्रोक्सेन जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको रिड्यूस करती है, साथ ही एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन और फीवर जो है उसको कम करने का काम करती है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो एक्यूट क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, जॉइंट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके अंदर, जॉइनल आर्थराइटिस जो है उसके अंदर, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है उसके अंदर, या गाउटी आर्थराइटिस जो होता है उसके अंदर, जिसमें मेनली क्या होता है जॉइंट जो इसमें इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण से पेन होता है, तो उसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन का दर्द जो हो रहा है उसके में भी काम में ली जाती है। ये प्राइमरी डिसमेनोरिया जो होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें जो पेन होता है, मेंस्ट्रुअल कैंप जो आते हैं उसके अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा ये माइग्रेन जो होता है, मतलब सिर दर्द जो होता है एक तरह का, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोज जो रहता है इसमें आर्थराइटिस जो होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन के अंदर दर्द हो रहा है, तो उसमें एडल्ट के अंदर ऑरली जो है वो 250 से 500 mg BD दिया जाता है, मैक्सिमम 1000 mg पर डे, उसे ज़्यादा नहीं दी जाती। जबकि चाइल्ड के अंदर ओरल ये 10 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिन में 2 बार दी जाती है। डिसमेनोरिया की कंडीशन में 500 mg OD दिया जाता है पहला डोज, उसके बाद फिर 200 से 250 mg 6 to 8 hours दी जाती है, मैक्सिमम 1250 mg तक दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की किस कंडीशन में ये नहीं दी जाती है, तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में, अस्थमा में, राइनाइटिस में, अर्टिकेरिया में, या एलर्जिक कंडीशन है अदर NSAID के साथ, तब नहीं दी जाती है। इसके अलावा हिपेटिक, कार्डिक या रीनल फंक्शन में कोई इम्पेयरमेंट है या समस्या है तो तब भी इसको अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 3rd trimester जो होता है उसमें भी इसको अवॉइड की जाती है, तब भी ये नहीं दी जाती। कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं नेप्रोक्सेन के, उसमें तो टिनिटस होता है, मतलब कानों में घंटियाँ बजना होता है, एक फ्रूट रिटेंशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, मतलब चक्कर आने जैसा हो सकता है, ड्राउजीनेस की कंडीशन हो सकती है, मतलब नींद जैसा हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन, नोजिया, एनोरेक्सिया भूख कम लगना, उल्टी होना, इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं। कुछ सीवियर साइड इफेक्ट जो है वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम ही होते हैं, रेयर होते हैं, जैसे हार्ट डिसीज होना, स्ट्रोक होना, GI ब्लीडिंग होना या पेप्टिक अल्सर होना। ड्रग इंटरेक्शन अगर देखें कि दूसरी ड्रग के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो मेनली ओरल एंटीकोगुलेंट जो है उसके साथ अगर दी जाती है तो ये ब्लीडिंग टाइम जो है उसको प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा हिपेरिन जो है उसकी डोज को ये बढ़ा सकती है, एक लिथियम टॉक्सिसिटी जो है उसको भी ये बढ़ा सकती है, तो लिथियम टॉक्स जो है उसके साथ भी ये अवॉइड की जाती है। नर्सिंग इम्प्लीकेशन जो रहेंगे कि नर्सिंग केयर क्या देनी है, तो एक तो नेप्रोक्सेन जो है उसको खाली पेट नहीं देना है क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा कर सकती है। एक पेशेंट जो है उसको इन्फॉर्म कर देना है कि नेप्रोक्सेन यदि ले रहा है तो एल्कोहल एस्पिरिन जो है उसको अवॉइड करें, क्योंकि एल्कोहल एस्पिरिन के कारण से GI ब्लीडिंग की संभावना जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ड्रग के साथ एंटासिड लेने की एडवाइस देनी है, क्योंकि नेप्रोक्सेन के कारण से SCL का निर्माण ज़्यादा हो सकता है और उसके कारण से पेप्टिक अल्सर की संभावना हो सकती है, तो पेप्टिक अल्सर जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको एंटासिड के साथ देने की एडवाइस देनी। इसके अलावा पेशेंट जो उसको कहना है कि वो डेंटिस्ट के पास या सर्जन के पास जाता है या कोई सर्जरी प्लान कर रहा है, तो उसके बारे में डेंटिस्ट को बता दे कि वो नेप्रोक्सेन ले रहा है।